हे गाइस, कैसे हो सब? जय श्री राम। आ चुके को नए वीडियो के साथ। और कैसा लगा भाई स्टार्टिंग का इंट्रो? मैंने थोड़ा सा कुछ नया करने की कोशिश करी है भाई, तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको गेम प्ले और इंट्रो बनाया भाई। तो जो क्लिप्स डाली मैंने स्टार्टिंग में पूरे गेम की, तो भाई अपन खेल रहे थे अपने लिविक भाई एज ऑलवेज पुराना अपना लिविक। और भाई बढ़ते हैं गेम प्ले की तरफ। हाँ भाई, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना अगर मेरी आवाज़ बैठी हो तो, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई। उतरे थे भाई, मेडिसिन कोई आया नहीं था, बट जैसे हम मेडिसिन से बाहर आते भाई फायरिंग की साउंड लग जाती है। तो देखते हैं बंदों कहाँ से फायरिंग कर रहा था भाई, वो पता नहीं है भाई किसको निपटा उपटा दिया भाई। ये टीम लड़ रही है, खैर मुझे बंदे दिखते हैं भाई झाड़ी के पार। मैं भाई तुक्के में गोली चलाता हूँ कसम से, पर बंदा नॉक हो जाता है काफी ज्यादा। मजा आता है भाई जब बंदा नॉक हो जाता है तुक्के की गोली में। खैर छोड़ो भाई, मैं फॉल बैक कर लेता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे पर रश कर दिया तो बहुत गलत सीन हो जाएगा भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला था, मेरे टीममेट थोड़े से पीछे थे मेरे से, और मुझे पता था भाई उनसे कुछ कवर अवर देने वाला तो है नहीं भाई, कोई उम्मीद तो रखता नहीं मैं। खैर अपन जैसे पीछे जाते भाई, वो वाला बंदा भाई मतलब वाले बंदे भाई रिकॉल पे आ जाते हैं। एक बोला वही वाला बंदा जिसको मैंने नॉक करता है वो रिकॉल पे आता है, उसको मैं भाई डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट मुझे पता था भाई वो पीक जरूर करेगा भाई, क्योंकि उसकी सब जो होती है ना भाई चुल भाई, एक गोली टच नहीं कर पाया। और भाई मैं हार्ड पिक लेके बैठ गया था, और उसने भाई अपने टीममेट्स को रिकॉल कर देते थे। मुझे पता था भाई वो बंदे अब मेरे मुंह पे कूदने वाले हैं, इतना तो पता ही था भाई, क्योंकि भाई जब उसके बंदे को मैंने नॉक करा तो ऑब्वियसली वो मेरे मुंह पे कूदेगा, तो देखो उसके साथ क्या करेंगे। यहाँ पर ये आया भाई सरप्राइज देने की कोशिश करता है, अगर ये पत्थर के पीछे कूदता तो मेरे को मार सकता था। खैर गाइस आप लोगों ने नोटिस करा होगा, इसका एक और बंदा कूदा उस साइड, लेकिन मेरे टीममेट उड़ा देगा उसको। तो यार ये तीनों बंदे इजी फिनिश भाई, और माइनस तो लगा ही होगा भाई, तो खैर क्या ही कर सकते हैं भाई, नहीं उतरना चाहिए। खैर छोड़ो भाई, अपन आते हैं भाई किले में मिट्सिन आई मीन नहीं, हम वीकेंड ही खेल रहे थे भाई इस बार, और भाई नेटबाजी हो रही है कुछ खतरनाक से भाई, अपने टीम मेट उतरे थे। मैं ऊपर देखते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सीन होते हैं भाई, बंदे ऊपर से कूद के सरप्राइज देने लग जाते हैं। खैर मैं ऊपर ना कूद नहीं, नीचे कूद जाता, मुझे दिखता है बॉट को निपटाएंगे भाई, और जिसने जो ड्रेस पहन रखी भाई वो अगले वाले रॉयल पास में आने वाले भाई, मिथिक सेट मिलेगा अपने को भाई, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। हिंट्स दे रहे हैं पीजीएमआई वाले इंडायरेक्टली, तो भाई वो तो मैं समझ ही गया था। खैर और पीछे से भाई पता नहीं गुफा में बंदे घुस रखे थे, तो मेरे को डैमेज देने की कोशिश कर, तो मेरे दो नंबर देखो भाई कहाँ चढ़ रखा भाई, वो जो टिप्स एंड ट्रिक लगा रखे इसने भी, जो मेरे को जिसने मेरे को M24 लेने वाले बंदे ने मारा था भाई, एकदम भाई जगह बैठ रखा भाई। खैर छोड़ो भाई, अपने बंदे घुस जाते भाई, मारते उन्हें, उनको मारने वारने के बाद पीछे देखो जो जिसका मुझे डर था वही हुआ, बंदा कूदा भाई, और मुझे पता था कूदेगा, और तुम्हारा भाई पहले से रेडी था थॉमसन लेकर, तो भाई को नॉक फिनिश डालते हैं, उसके बाद निकलेंगे भाई यहाँ से। लूट लूटने के बाद काफ़ी सही लूट थी भाई इसमें, मैंने मुझे स्नोगन का यूज आज अभी तक नहीं करा भाई, लिटरली जब से मोड आया मैंने स्नोगन का यूज अभी तक नहीं करा, बस हाँ ले लेता हूँ मैं। खैर भाई अपन निकलते हैं भाई, हमने ड्रॉप मंगाया था भाई, MG3 आ गई थी भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला था भाई MG3 के साथ, तो भाई लेकिन मेरे टीम मेट पर उतने में बंदे आ जाते भाई। भाई नॉक फिनिश डाल दिया मेरे टीममेट को, बहुत गलत थे वो उसके साथ, तो भाई उसको बचाते बचाते ही रह गए। खैर छोड़ो भाई, अपने उड़न छू लेकर निकलेंगे यहाँ से भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत गलत सीन होने वाला है यार, बंदे बंदे आ जाएंगे तो बहुत गलत सीन हो जाएगा भाई। खैर छोड़ो भाई, अपन आए थे यार इधर भी, और इधर भाई मेरे पे बंदे पुश कर रहे थे, और भाई भाई लड़की बोलती भाई हेल्प चाहिए, और भाई अगर लड़की ने हेल्प मांगी तो तुम्हारा भाई जाएगा क्यों? हालांकि भाई मेरे घर के नीचे भी बंदे थे, और जिस घर में वो लड़की नॉक थी उस पर भी बंदे थे, लेकिन तुम्हारा भाई ना आओ देखेगा ना ताओ, सीधा लड़की को नॉक दे, क्या बोलते हैं उसको, रिवाइव देने जाऊंगा भाई, भले मैं मर जाओ भाई लेकिन रिवाइव मांगा उसने तो रिवाइव देने जरूर जाना पड़ेगा भाई। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खैर भाई इसकी हेल्थ देखो, मैंने कितने पे रिवाइव दिया भाई, मतलब उसकी हेल्थ देखो भाई, मतलब सिर्फ 10 HP बची थी भाई, उसके बाद वो मरी जाती। खैर रिकॉल तो हो जाती, बट भाई रिवाइव देने का भी थोड़ा एकदम स्टाइल होता है भाई, इम्प्रेस भी तो करना है यार। खैर मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई सीरियसली मत लेना भाई, मतलब बस ये एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। खैर इसको नॉक करते भाई, मेरी टीम को फिर नॉक फिनिश कर देते भाई। खैर इसको नॉक करते भाई, अपने एलिमिनेशन जो भी अपन आने निकाला भाई, मैं इसको बोल नहीं पाता भाई, दिमाग खराब हो जाता है इसको बोलने जो भी है बंद भाई, नाम आ रहा था ना, चमक रहा है भाई तुम्हारे भाई का नाम यार, तो खैर छोड़ो भाई। और भाई यहाँ पे मेरे से बहुत गलत सीन होने वाला, किस किस गलत ये गलत ये सीन होता है जैसे पता ना भाई, मैंने पूरा भाई एकदम सटीक एम करा था भाई इसके ऊपर भाई, लिटरली मैं मेरी स्क्रीन में कोई देखते तो भाई कहते कि ये क्या हुआ भाई लिटरली भाई, और मेरे को लड़की भी बोल रहे थे एज वेल वो नॉक हो गई भाई, गलती बचाया मर जान देता इससे बढ़िया। तो खैर छोड़ो भाई, उसने मेरे को मार दिया, उसके बाद उतरेंगे भाई इस साइड। अपन आए थे यहाँ पे भाई अपने तुम्हारे भाई को मेरी DBS, और तुम्हें पता है भाई DBS का कमाल,
भाई ये मार्क कर रहा था अपना 3 नंबर की आई सामने वाली बिल्डिंग में बंद होते मुझे पीछे से फुटस्टेप आते भाई तुम्हारा भाई सीधा डीबी चिपका था उठते भाई गाड़ी आ जाती है भाई वो स्नो वाली मुझे बंदा दिख चुका था भाई वो बंदा लेटेगा अभी आपके ऊपर मतलब ओपन में लेट जाता मुझे बंदा दिखता है बट मेरे टीममेट के राइट लेफ्ट राइट दोनों तरफ अपन बंदे में फंस चुके थे भाई एकदम सैंडविच होने की सिचुएशन थी तो मैं पहले कवर लेता उसके बाद भाई जो लेटा वाला बंदा था आगे वो मेरे पे पुश कर देगा तो उसको नॉक डालता भाई पता नहीं क्या ही कर रहा था ये गोली वोली पता नहीं क्या नशे वशे करके आया था भाई गोली खा के आया था ये पता नहीं कोई भांग वांग की खैर छोड़ भाई उसको मारा उसके बाद देखेंगे दूसरे वाले बंदों को भाई और अपन क्लोज जाते अपने 4 नंबर के भाई तो 4 नंबर के बंदे थे भाई अपन आते भाई इस साइड भाई मैं फुटस्टेप ट्रेस कर रहा हूँ तो बंदे के भाई कि हाँ मतलब है एक्चुअल में है किधर भाई मैं नेट वेट देखूंगा भाई नेट वेट तो होता ही नहीं यार मेरे पे यार बुरी किस्मत है यार बहुत ज़्यादा यार मैं देख ही रहा होता हूँ भाई किधर अगर मेरे को लगा मेरे पे पुश करने वाला है बट मैं नेट वेट ट्राई करता हूँ कभी मैं मतलब घर में झांक रहा था भाई एकदम किसी और के घर में कि मैं मिलता है बट मैं पुश ही कर देता हूँ भाई जब मुझे बंदे दिखता है तो भाई DPS वर्सेस DPS भाई तुम्हारे भाई ने चिपका दिया उसके बाद उसको टीममेट ने मुझे चिपका दिया यार और मतलब थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी यार के भाई वो मुझे आखिरी बची थी वो लड़की भाई मुझे उस पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी और एज ऑलवेज भाई भाई वो अपन निपट गया यार खैर छोड़ भाई बट दूसरे वाले गेम प्ले में अपन आए थे भाई यहाँ पे मैं घिसड़ता घिसड़ता यार स्केट बोर्ड मिला था मैं यार तो घूमते घामते भाई इधर आया था और भाई इन वाले घर में जा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट भाई ये लास्ट जोन था भाई 14 बंदे बचे थे यार यहाँ पे मेरा स्केट बोर्ड अपने आप ही हट जाता भाई मैं देखता हूँ वहाँ पे गाड़ी खड़ी है भाई डांसे खड़ी थी वो भाई डांसे ऐसी तो खड़ी थी तो भाई काफ़ी ज़्यादा शांत होता है जैसे ही मैं डांसे में बैठते मुझे फुटस्टेप आने लग जाते हैं भाई तुम्हारा वैसे सीधा अंदर घुस जाता है करके क्योंकि भाई ओपन में रहना खतरे से खाली नहीं है भाई मैं देखता हूँ मुझे लगा सीढ़ी पे कैंप कर रहा होगा भाई तुम्हारा भाई लेट निकालता है और सीरियसली भाई अपने आप छोटा मैंने भाई कुक करा था भाई और जिसमें क्या बोलो भाई क्या आया ये पहले मैं लेट फटने का वेट करता हूँ उसके बाद दूसरा लेट कुक करेंगे भाई पहले मैं देखता हूँ गेट खोलता कि अगर मेरे को लगा कि वो कूदेगा अगर गेट खोलूंगा मैं बट वो कूदता ही नहीं भाई फुल कैंपिंग बाजी तुम्हारा भाई नेट खेसता है उसके बाद देखो भाई इसके मुंह पे पैकिंग है बंदा यहाँ पे तो था नहीं भाई तो भाई मेरे से तो सबर नहीं होता लिटरली कसम से मैं सीधा रश कर देता हूँ और भाई DPS होने में और DPS चलानी आने में भाई बहुत फर्क होता है भाई DPS रखने से ये नहीं हो जाती कि भाई तुम्हें DPS चिपका नहीं आती भाई अगर चिपक जाती तो मेरा गेम प्ले खराब होता क्या DPS से इसको कुछ खास तो फायदा हुआ नहीं यार मैं DPS लेता नहीं हुआ यार क्योंकि लास्ट जोन था भाई और क्लोज रन की फाइट तो थी नहीं भाई खैर इसके गेट पर बंदा आता भाई इसको भाई डैमेज देते हैं भाई और एक हेड भी लग जाता है और भाई ये वाले फेयरिंग इशू किसके साथ आ रहा है भाई कि मेरे से मतलब गोली करते करते गोली रुक जाता है भी बंदा मेरे को पूरा फिनिश डाल देता है खैर छोड़ो भाई अपने फिनिश डाला उसके बाद निकलेंगे भाई और भाई मैग देता है मेरे पास एक्सटेंडेड यार खैर छोड़ो अब मुझे बल्ले बंदे की फायरिंग आ चुकी थी गाइस और मुझे बंदा दिखता भी निकलता हुआ वहाँ से स्केट बोर्ड से तुम्हारा भाई हार्ड पिक ले लेगा भाई देखो ड्रोन होकर फुल सक्सेस स्प्रे मैं इसका रुकने का वेट करता हूँ जैसे ही बंदा मुझे देखेगा तो भाई मौका ही नहीं दे खैर उसने मुझे डैमेज दिया थोड़ा सा बट आपको ज़्यादा खास ने डैमेज दिया भाई 183 मीटर दूर मारा भाई मैंने फुल 6x से तो भाई काफ़ी ज़्यादा मजा आया बट उसके बाद मैं फिनिश नहीं कर पाया उसको खैर अपन आते लास्ट जोन में भाई अपन हाई रिज ले लेते हैं कि बंदे बंदे दिखे भाई मुझे उतने में एक और बंदा दिखता है भाई भाई भी कैंडी में बंदे स्पॉट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया बंदे सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन के आते हैं और भाई बिल्कुल चुप से ही जाते हैं यार उसमें खैर छोड़ भाई अपन ने उसको मारा बचे थे लास्ट के 3 बंदे भाई 1v3 है भाई मुझे पता था भाई और वो बंदे उड़न छोले के निकलते हैं भाई मेरे को पुश करने के क्योंकि मेरे एकदम अपोजिट से आने वाले थे खैर उसको मैं डैमेज थी ड्राइवर को कि भाई ड्राइवर उतर जाएगा बट मेरी उनकी स्ट्रैटेजी थी भाई पीछे से मारा भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा भाई पीठ पीछे मारा भाई मुझे तो खैर छोड़ो भाई गुस्सा तो आया खैर छोड़ो कोई बात नहीं यार मिलते हैं नेक्स्ट गेम में बताना यार आप लोगों को कैसा लगा ये वाले गेम तब तक के लिए भाई मौज करो और नाचो गाओ।